नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार 45 से 60 साल की उम्र वाले अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है। सीएम खट्टर ने करनाल के कलामपुरा गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार एक महीने के भीतर इस स्कीम के संबंध में फैसला लेगी। वही कार्यक्रम के दौरान 60 साल के एक अविवाहित व्यक्ति की पेंशन संबंधी शिकायत के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार एक योजना शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। तब उन्होंने 45 से 60 साल की उम्र के अविवाहित लोगों के लिए पेंशन की बात कही। वहीं जान ले कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा दाव चला है। वहीं सीएम खट्टर ने बुजुर्गों की पेंशन को 3000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। यह अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। हालांकि यह भी सुनने में आ रहा था कि सरकार में शामिल जेजेपी दबाव डाल रही थी कि बुजुर्ग पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपए तक कर दिया जाए।